नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक अध्यक्ष सुलोचना देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर परिषद की आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। इस दौरान नगर परिषद का बजट पेश किया गया। बजट में शहर में कुछ नई सोलर लाइटें लगाने का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही पार्किंग का विकास, चौकों की सुंदरता, गलियों में टाइलें, नगर परिषद क्षेत्र में गौसदन के निर्माण, NULM के तहत शहरी गरीबों के लिए रात आश्रय का निर्माण आदि करने का प्रस्ताव भी बजट में पारित किया गया। पूरे शहर में 2900 सोलर लाइटें लगाई गई हैं, जिसकी मरम्मत के लिए बिजली बोर्ड के ठेकेदार हर माह 2.20 लाख रुपए वसूल कर रहा है, जबकि नगर परिषद 2 लाइनमैन का वेतन भी खुद देती है। ठेकेदार द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में लगाए जाने वाली अन्य लाइटों की डिलीवरी भी नहीं की जा रही है, जिस कारण नगर परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ठेकेदार को 15 दिन के भीतर लाइटें भेजने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ठेकेदार लाइटें नहीं भेजता है तो नगर परिषद खुद के खर्चे पर लाइटें लाएगी और ठेकेदार को अन्य लाइटों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में 16 घर के नक्शे पास किए गए, 5 विधवाओं को पेंशन लगवाने की सिफारिश की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 परिवारों को मिली राशि का भुगतान जल्द करने, लोक निर्माण विभाग के अंडर आने वाली नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज को बेचे गए 58 प्लॉटों से मिलने वाली धनराशि से इतने ही नए प्लॉटों का निर्माण के लिए जरूरी भूमि खरीदने का प्रस्ताव पारित मासिक बैठक में रखा गया। इस बैठक में नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, पार्षद अश्विनी कुमार, रीटा शर्मा, राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता अश्विनी शर्मा तथा वार्ड 1 के पार्षद अनिल चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसमें मासिक बैठक में 15-16 मैप जो पास किए गए, 4 लोगों को एक्सटेंशन दी गई, 5 विधवा औरतों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 49 लोगों को 1,65,000 रुपये जो मिलेगा उसकी हमें सूचना मिली है, वो इन लोगों को जल्दी ही पैसे जो है वो वितरित की जाएंगे। और बिजली का कार्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, जब से बिजली की ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है उन्होंने जो हमारे साथ कमेंट किया था वो उस कमिटमेंट में पूरे नहीं है। जब हमें और लाइटों की जरूरत है वो लाइटें नहीं दे रहे हैं, और अब लग रहा है कि जो हमारा पहले का खर्चा था तो इसको लगने के बाद वो आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वो दुगना हो गया। इससे नगर परिषद बहुत चिंतित है। 2900 लाइट हमारी उतारी गई और 2900 लाइट उन्होंने नहीं लगाई है, फिर भी वो पूरे शहर में लाइट नहीं है, लाइट की अभी कमी है। तो इसमें 2,20,000 मंथली वो मेंटेनेंस का चार्ज कर रहे हैं, जो कि हमारे ध्यान में पहले नहीं था। हमारे में ध्यान में था कि लाइट लगाएंगे और 7 साल के लिए ये उसकी मेंटेनेंस करेंगे, जिसके हमें कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब 2,20,000 पर मंथ का चार्ज जो है वो हो गया है। उसके साथ ही हमारे पास दो लाइन मैन है, वो करीब हमें 67,000 रुपये महीने का उनको देना पड़ता है, उनकी पे हम देते हैं, वो भी साथ हैं। और ये 2,20,000 का अलग से जो है वर्ण जो है वो कमेटी पड़ गया है, इसमें सोचना पड़ेगा क्या करना है हमें। ये तो हमारे लिए बहुत पसीदा मामला हो गया, इतने पैसे हम दे नहीं सकते। पीड़ी वाले आज आए थे, उनका SGO आया था, उनको हमने जो सड़कें नगर परिसीमन की हैं, जैसे टाउन आर की आगे है, RTO ऑफिस के सामने एक रोड है हमारा, वार्ड नंबर 3 में एक रोड है, ये रोड उनके हैं, ये टूटे हुए हैं, तो उनको कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो है वो बनाई जाए। पानी का शहर में पानी के आने की बात थी, मई में चालू हो जाएगा पानी, जो नई स्कीम आई है तो वो भी वो कह रहे हैं कि आपको ये फर्स्ट लैंड होने के कारण दिक्कत पड़ेगी, अब वो जून जुलाई की बात कर रहे हैं, वो पानी की समस्या है, लेट है, हमें से जल्दी जल्दी वो किया जाए। कुछ एक भोटा चौक पर
हमने दुकान ऑप्शन की है, उसने हमारी ऊपर मंजिल की कोई पौड़ी रोकी है, उसके लिए कमेटी गठित की गई कि वहाँ मौका जाके देखें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि रास्ता ऊपर की मंजिल को भी जाना जो है वो जरूरी है। कुछ और भी मेंबर्स ने काम को बताया, वो निकल गए, वो जल्दी जल्दी इन्हें कोशिश करेंगे।